हमारे देश की सभी सरकारें विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के बड़े बड़े वादे और दावे तो करती हैं, लेकिन ये सभी दावे धरातल पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी घटना छत्तीसगढ़ राज्य से सामने आई है। यहाँ एक 80 फीट खुले गड्ढे में 11 साल का एक मासूम गिर गया और 43 घंटे बाद भी उसे बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। बता दें कि बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल के पास ही एक समांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। अभी तक 55 से 80 फीसदी तक दूसरा गड्ढा खोदा जा चुका है और सुरंग बनाने का काम भी किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF और भारतीय सेना के विशेषज्ञों की टीम की मदद ली जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार कैमरे से बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि बच्चा भी सुरक्षा कर्मियों की मदद कर रहा है। बच्चा बोरवेल में पानी निकालने के लिए भेजी गई बाल्टी को भरने में मदद कर रहा है। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है और खाने पीने की चीजें भी बच्चे तक पहुँचाई जा रही है। बता दें कि अगले 2 से 3 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि मासूम के पिता ने अपने खेत में सिंचाई के लिए 80 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया था, लेकिन बोरवेल से पानी नहीं निकला और उस गड्ढे को बिना बंद किए ही खुला छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते हुए इस गड्ढे में जा गिरा। जिला प्रशासन को जब इसकी खबर मिली तो खुद कलेक्टर ने अधिकारियों को बच्चे को बचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय खुद पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहा है और CM भूपेश बघेल को हर पल की अपडेट जानकारी दी जा रही है। बच्चे को बचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लग गई है। गुजरात से रोबोटिक्स इंजीनियर बुलाए गए हैं। रोबोट को लैपटॉप से कंट्रोल कर नीचे कमांड दिया जा रहा है। इस पूरे काम को रेस्क्यू रोबोट बनाने वाले गुजरात के महेश अहिर अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने पहले भी इस तरह की घटनाओं में रोबोटिक रेस्क्यू का सफल काम किया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। CM भूपेश बघेल ने बच्चे के माता पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और CM ने ट्वीट कर इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए खुले बोरवेल को बंद कराने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारें हादसे होने के बाद ही क्यों जागती हैं? क्यों नहीं पहले इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं? अब देखना ये होगा कि सरकार का ये गड्ढा बंद कराने का अभियान कितना सफल हो पाता है या कुछ दिनों के बाद ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JNP न्यूज़।